हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं कोलोसली मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो मूवी की शुरुआत में हम ग्लोरिया नाम के लड़की को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क शहर में अपने बॉयफ्रेंड टिम के साथ रह रही थी, लेकिन वो काफी समय से अनएम्प्लॉयड थी और काफी ज्यादा अल्कोहल भी पीती थी। उसका बिहेवियर कुछ सही नहीं था। अब इसी बात से परेशान होके टिम सीधा उसे घर से निकाल देता है और उसे ब्रेकअप करता है। अब ग्लोरिया के सामने कुछ भी रास्ता रुकता नहीं है, इसीलिए वो अपने होम टाउन आने के लिए निकलती है। ग्लोरिया अल्कोहल के कारण काफी एब्सेंट माइंडेड रहती थी और हमेशा अपना सर स्क्रैच किया करती थी। अब यहाँ पे वो अपने होम टाउन आ जाती है, जहाँ पे उसे अपना बचपन का दोस्त ऑस्कर मिलता है। वो उसे बताती है कि वो यहाँ पे वेकेशन के लिए आई है कुछ दिनों के लिए। ऑस्कर का एक बार होता है और दो चार रातें ग्लोरिया, ऑस्कर, उसके दोस्त गार्थ और जोएल के साथ ही हैंग आउट करती है। रात भर वहाँ पे वो रहती थी और सुबह जैसे ही उसे होश आता था घर आने के लिए निकलती थी। एक दिन सुबह के कुछ 8:05 पर वो बार से निकलती है और वो स्कूल के कुछ बच्चों को वहाँ से जाते हुए देखती है और पास के ही प्ले ग्राउंड एरिया से होते हुए वो गुजरती है। घर जाने के बाद वो सो जाती है और अचानक से पैर के आसपास उसका एक्स बॉयफ्रेंड टिम उसे कॉल करता है। तो वो उसे बताता है कि साउथ कोरिया के सोल इस शहर में एक बड़े से जायंट मॉन्स्टर काइजू ने हमला किया है, पूरा शहर तहस नहस कर दिया है उसने और किसी को भी पता नहीं कि वो कहां से आया है। अब इसके कारण दुनिया में पूरा तहलका मचा हुआ है। अब वो ये ब्रेकिंग न्यूज पढ़ती और हैरान हो जाती है। उसका स्केड्यूल यही था कि रात में वो क्लब जाती थी और सुबह तक वहीं पे बैठ के 8 के करीब वो वापस प्ले ग्राउंड के उस एरिया से होते हुए घर आती थी। इसी ऑस्कर उसे अपने बाहर में काम करने का जॉब ऑफर करता है और वो भी हिचकिचाते हुए एक्सेप्ट करती है। ऑस्कर ने उसके लिए काफी बड़ा टीवी लाया होता है और तभी वो टीवी पे नोटिस करती है कि उस मॉन्स्टर को भी इसी की तरह अपने सर पे स्क्रैच करने की आदत है, कि वो मॉन्स्टर भी इसी की तरह मूवमेंट कर रहा था सामान लेके जाने का। अब 2-4 तक ये आसपास बाहर जाती ही नहीं है, तो सोल से भी वो मॉन्स्टर गायब हुआ था। ये सब देख के वो इतनी ज्यादा शॉक हो जाती है और उस मॉन्स्टर पे रिसर्च करती है और उसे पता लगता है कि शायद वो खुद उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है। लेकिन उसका और मॉन्स्टर का कनेक्शन तभी बनता है जब वो सुबह 8 के करीब उस प्लेग्राउंड एरिया से गुजरती है। कई बार तो नशे में वो उसी प्लेग्राउंड एरिया के आसपास बैठी रहती है तो वो मॉन्स्टर भी वहाँ पे वैसे ही बैठा रहता है। जो उसके घर के पास का प्लेग्राउंड एरिया था, वैसे ही सोल में यानी साउथ कोरिया में एक पूरा एरिया था जो इस प्लेग्राउंड से कनेक्टेड है। अगर ग्लोरिया सुबह 8 के करीब उस प्लेग्राउंड में जाती है तब भी वहाँ पे वो मॉन्स्टर साउथ कोरिया में उस पर्टिकुलर एरिया में दिखाई पड़ता है। अब ये सारी सच्चाई वो ऑस्कर और उसके दोनों दोस्तों को बताती है। अब वो उस पे भरोसा नहीं करते कि कुछ भी क्या बेतु की बातें कर रही है, तो वो जानबूझ के उन्हें डांस करके दिखाती है और वो लोग अपने मोबाइल में लाइव न्यूज देखते हैं, तब वो मॉन्स्टर भी वैसा ही डांस कर रहा था। तभी कोरिया की आर्मी उस मॉन्स्टर पे ब्लास्ट करती है। उस ब्लास्ट में गोरिया को भी अपने सर पे दर्द होता है। अब इसे ये मजाक लग रहा था, इसीलिए मजाक में वो कराटे के मूवमेंट्स करती है, लेकिन वहां पे वो मॉन्स्टर असल में कुछ हेलीकॉप्टर्स को उड़ा देता है जो उसके आसपास मंडरा रहे थे और काफी लोगों की जान भी जाती है। ये न्यूज में देख के वो फ्रीक आउट होती है। अभी तक उसे मजाक लग रहा था लेकिन उसे पता चलता है कि उसके इस हरकतों के कारण वहाँ पे लोगों की जान जा रही है। तभी उस मॉन्स्टर पे आर्मी का काफी ज्यादा हमला होता है और ग्लोरिया को भी यहाँ पे काफी दर्द होता है, उसका बैलेंस चला जाता है और वो नीचे गिरती है। अब यहाँ ऑस्कर और उसके दोस्त उसे घर में लेके जाते हैं और सुलाते हैं। जब दोपहर को वो उठती है तब वो टीवी पे देखती है कि वो मॉन्स्टर भी शहर पे गिर गया था, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई है, काफी सारे बिल्डिंग्स टूट गई है, कई सारे जगह पे आग लगी है। ये देख के वो इतनी फ्रीक आउट होती है और वो काफी रोने लगती है, यही गुस्सा आता है उसे और लोगों की बर्बादी का कारण बनी है। तभी ऑस्कर वहाँ पे आता है और उसे शांत करता है और उसे एक शॉकिंग न्यूज बताता है कि अब तक सिर्फ एक ही मॉन्स्टर था उस जगह पे, लेकिन अब उसके साथ साथ एक रोबोट के रूप में भी जायंट रोबोट कोरिया में आ गया है उसी स्पेसिफिक जगह पे। और ऑस्कर को लगता है उस रोबोट को वो खुद कंट्रोल कर रहा है, यानी उसी का अवतार है वो। इसके पहले कभी भी वो रोबोट दिखाई नहीं गया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑस्कर कभी भी उस प्लेग्राउंड एरिया में गया ही नहीं था। आज सुबह जब ग्लोरिया बेहोश पड़ी थी तो उसे उठाने के लिए पहली बार ऑस्कर उस पार्क में गया था और तभी कोरिया में वो रोबोट दिखाई पड़ा था। ये सुन के ग्लोरिया काफी फ्रीक आउट होती है और वो रिसर्च करने लगती है कि ये मॉन्स्टर का क्या राज है। आज से 25 पहले भी एक बार ये मॉन्स्टर दिखाई दिया था कोरिया में, अब ये कैसे, ये हमें जल्द ही देखेंगे। आगे ग्लोरिया डिसाइड करती
कहती है कि उस मॉन्स्टर के जरिए वो कोरियन लैंग्वेज में लोगों से माफी मांगेगी और कहेगी कि आज के बाद मैं इस शहर में नहीं आऊंगी। और वो यही डिसाइड करती कि कभी भी प्लेग्राउंड एरिया में जाएगी नहीं और वो शराब भी छोड़ देती है। उसी रात वो ऑस्कर की मदद से एक ट्रांसलेटर ढूंढती है और कोरियन भाषा में ये मैसेज लिखती है कि आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब अगले दिन सुबह वो ऑस्कर के साथ उसी प्लेग्राउंड एरिया में जाती है और लोगों को साइड में होने का इशारा करती है और नीचे झुक के कोरियन भाषा में जमीन पे यही मैसेज लिखती है और वहाँ से निकल जाती है। अब ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर सॉरी कह रहा है, इससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है और सब लोग उस मॉन्स्टर को अच्छा कह रहे थे, जिसे ग्लोरिया काफी खुश होती है। अब यहाँ पे जो ऑस्कर का दोस्त था जोएल, वो उसे काफी पसंद करता था, इसीलिए वो उसके साथ डेट पे जाती है। जब वो सुबह जोएल के घर पे उठती है तब न्यूज देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि अब मॉन्स्टर के बजाय वो रोबोट शहर के लोगों को डरा रहा था। ये देख के ग्लोरिया काफी पैनिक होती है और जोएल के साथ ही उसी की गाड़ी से प्लेग्राउंड एरिया में आती है और वो पहले तो ऑस्कर को रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। तो हंसते हुए ऑस्कर कह रहा है, अरे यार मुझे ये सुपर पावर मिली है, मैं तो बस मजे ले रहा हूँ। ग्लोरिया को थोड़ा गुस्सा आता है और उसे निकलने के लिए कहती है प्लेग्राउंड एरिया से, लेकिन ऑस्कर उसकी एक भी बात नहीं मानता। इसलिए फिर ग्लोरिया भी उस ग्राउंड में आती है, यानी वो मॉन्स्टर भी साउथ कोरिया में रोबोट के सामने आ जाता है और उसे गुस्से में यहाँ से निकलने का इशारा करती है। तो ऑस्कर उसे हंसते हुए कहता है कि अच्छा तुमने हजारों लोगों को मारा है वो ठीक है, और मैं बस यहाँ पे खेल रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, अरे दो चार लोगों की जान जाती भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है। ये सुनते ग्लोरिया उसे थप्पड़ मारती है, उनके सामने ऑस्कर का इंसल्ट हुआ था, इसीलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। और अब टीवी और सोशल मीडिया पे यही बात आती है कि उस मॉन्स्टर ने उस रोबोट को थप्पड़ मारा और यहाँ से निकाला, जिसके ऊपर काफी सारे मीम्स बनते हैं और उस रोबोट का मजाक बन के रह जाता है। ये सब देख के ऑस्कर को गुस्सा आने लगता है। अब यहाँ पे ग्लोरिया जो इतने दिनों से सोबर थी, बार में काम कर रही थी, वो उसे मैनिपुलेट करने लगता है और जानबूझ के शराब पीने के लिए कहता है, वरना वो पार्क में जाके काफी सारे लोगों को मार डालेगा। अब यहाँ ग्लोरिया शराब तो पीती नहीं है तो ये नशे में सुबह उठ के पार्क चला जाता है। ग्लोरिया भी उसके पीछे पीछे आती है उसे रिक्वेस्ट करने की लोगों को मत मारो, लेकिन पार्क में दोनों की भी काफी घमासान लड़ाई होती है, जहाँ पे ऑस्कर लिटरली अपने दोस्त ग्लोरिया को काफी मारता है। आखिरी में जोएल दोनों को भी रोकता है। अब गुस्से में ग्लोरिया बाहर में काम करने से मना कर देती है तो ऑस्कर उसे काफी मारता है लिटरली, और कहता है कि अगर तुम बाहर में काम करने नहीं आई तो मैं यहाँ आके रोज कोरिया के लोगों को मारूंगा। अब उसका ये दोस्त उसे हरास मैनिपुलेट कर रहा है, ये देख के वो काफी हैरान होती है और उसे बचपन की कुछ यादें याद आती है। यहाँ पे बचपन से ही ऑस्कर ग्लोरिया से काफी ऑब्सेस रहता है। ग्लोरिया हमेशा स्टडी प्रोजेक्ट में अच्छा करती थी, बड़े होने के बाद भी अपने सपने पूरे करने के लिए वो न्यूयॉर्क चली जाती है, तो वो खुद अपने पिता का ही यहाँ पे बार जला रहा था, इसी बात से वो गुस्सा था। यानी आज के लैंग्वेज में ये एक टॉक्सिक हेटर था और उसे ग्लोरिया को ब्लैकमेल करने का एक तरीका मिल गया था। इसी दरमियान ग्लोरिया का एक्स बॉयफ्रेंड टिम उसे वापस लेने के लिए आता है, यानी अब ग्लोरिया वापस न्यूयॉर्क चली जाएगी। ये बात ऑस्कर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो सोचो मैं कोरिया का क्या करूंगा। इतना ही नहीं, वो लिटरली शाम को उसका घर डुप्लीकेट चाबी से ओपन करता है और उसके घर में जाके बैठ जाता है देखने के लिए कि ये जाती है या नहीं। तभी ग्लोरिया वापस अपना सर स्क्रैच करने लगती है और तभी उसे वो किस्सा याद आता है जिसके कारण ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो आज से 25 साल पहले करीब करीब 8:05 पे ऑस्कर और ग्लोरिया जब छोटे बच्चे थे तब स्कूल जा रहे थे। ग्लोरिया के हाथ में साउथ कोरिया के सोल सिटी का प्रोजेक्ट बना हुआ था और ऑस्कर के हाथ में इस शहर का एक प्रोजेक्ट बना हुआ था। तभी जोरों से हवा चलती है और ग्लोरिया का प्रोजेक्ट हवा में उड़ जाता है। ऑस्कर उसे लेने के लिए जाता है लेकिन उसका प्रोजेक्ट अच्छा होने के कारण वो उसे लिटरली तोड़ देता है। गुस्से में ग्लोरिया ये सब कुछ देख रही थी। तभी वहाँ पे बिजली गिरती है जो कि सीधा ग्लोरिया के सर पे जाती है, जहाँ हमेशा वो स्क्रैच किया करती थी। उसके हाथ में कैजू, ये टॉय मॉन्स्टर था और इसी के कारण पे तभी दूसरी जगह पे सोल इस शहर में एक पोर्टल ओपन हो जाती है और वहाँ पे वो मॉन्स्टर रियल में दिखाई देता है 25 साल पहले। यानी यहाँ पे ग्लोरिया मॉन्स्टर के रूप में साउथ कोरिया में अपियर हो जाती है उसी लाइटनिंग इफेक्ट के कारण, और इसी के वजह से वो हमेशा सर पे स्क्रैच किया करती थी। वो मॉन्स्टर साउथ कोरिया के सोल शहर में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि ग्लोरिया के प्रोजेक्ट में वही शहर बना हुआ था। तो दूसरी जगह ऑस्कर के सर पे भी लाइटनिंग गिरती है और उसके पास वो रोबोट था और उसी की तरह उसे रोबोट का अवतार मिलता है। ये बात अचानक से ग्लोरिया को क्लिक होती है और वो समझ जाती है कि ऑस्कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि वो खुद से हेट करता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि कोई दूसरा इंसान उससे ज्यादा तरक्की कर रहा है। ऑस्कर उसके घर में ही था और उस पर अटैक करने
करने जाता है तो वो ऑस्कर को काफी मारती है, लेकिन ऑस्कर वहाँ से निकल जाता है और सीधा सुबह होते ही ग्राउंड में चला आता है। तो ग्लोरिया दूसरी तरफ सीधे अपने बैग पैक्स करके एयरपोर्ट पे आती है। अब उसे सारा किस्सा याद आ गया था, इसीलिए उसके पास एक सोल्यूशन था, इसीलिए वो सीधा कोरिया की फ्लाइट लेती है और वहाँ पहुँच जाती है। अब ये बार में काम करने नहीं आई है, ये देख के ऑस्कर समझ जाता है कि ये निकल गई है, इसीलिए वो गुस्से में पार्क चला जाता है ताकि वो लोगों को मारे। और वो पार्क में आने के कारण साउथ कोरिया में भी वो बड़ा सा रोबोट दिखाई देता है, पूरे शहर के लोग पैनिक होने लगते हैं। तभी साउथ कोरिया में ही हम ग्लोरिया को देखते हैं जो कि वो मॉन्स्टर के सामने खड़ी थी। ऑस्कर अटैक के लिए रेडी हो जाता है और एक बच्चे पे वो पैर रखने ही वाला था, लेकिन तभी उसे अपने टाउन में बहुत ही बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही यहाँ साउथ कोरिया में ग्लोरिया आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं तो ऑस्कर के टाउन में अब वो मॉन्स्टर आ गया था, यानी ह्यूमन ग्लोरिया पार्क जाने पर कोरिया में मॉन्स्टर आता था, तो वैसे ही अब ग्लोरिया साउथ कोरिया में गई थी तो उसका मॉन्स्टर अब उसके टाउन में आ गया था। अब जैसे ही ऑस्कर भागने लगता है वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और कोरिया में हम देखते हैं ग्लोरिया उसे पकड़ लेती है, क्योंकि दोनों के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन था, तो ग्लोरिया जैसे एक्शन करेगी वैसे ही वो मॉन्स्टर एक्शन करेगा। यहाँ पे ग्लोरिया कुछ कदम आगे चलती है और जमीन में नीचे झुक के ऑस्कर को पकड़ने का एक्शन करती है, तो वहाँ पे उसका मॉन्स्टर असल में ऑस्कर को पकड़ लेता है। इवन दो ऑस्कर कोरिया में नहीं था, वो एग्जैक्टली उसी स्पॉट में जाके उसे पकड़ती है। जैसे ही ऑस्कर को वो मॉन्स्टर पकड़ता है हम साउथ कोरिया में देखते हैं उसका रोबोट हवा में तैरने लगता है। ये देख ऑस्कर उसे काफी गाली देने लगता है तो वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। वैसे ही हवा में तैरते हुए वो रोबोट भी काफी दूर जा गिरता है। अब रोबोट चला गया है ये देख के साउथ कोरिया के लोग काफी खुश हो जाते हैं और इसी तरह पूरे न्यूज में आ जाता है कि अभी रोबोट और मॉन्स्टर दोनों भी चले गए हैं। ग्लोरिया काफी खुश हो जाती है और एक कैफे में आके बैठती है और इसी तरह ग्लोरिया अपनी खुद की लाइफ का भी कंट्रोल लेती है और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।